यहाँ से व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है। ये जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये चिलाल ट्रैक ही है। तो थोड़ी देर आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इन पत्थरों पे आप बैठ सकते हो, फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ये रहा वो ब्रिज, मैं पहुँच चुका हूँ ब्रिज के पास। ऊपर बादल देखो कितने शानदार लग रहे हैं, नीचे आ चुके हैं पूरे। उधर साइड देखो पहाड़ों के ऊपर बादल कैसे चल रहे हैं। ये पेड़ के साथ में डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। टुडे 21 सितंबर 2022। सो आई एम राइट नाउ इन माई हॉस्टल। मेरे से रुका नहीं गया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कितना अच्छा नज़ारा है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था मैं नहाने के बाद वीडियो शूट करूँगा, बट मेरे से रुका नहीं गया। व्यू इतना शानदार है, बारिश हो रही है, बादल एकदम पास में। अभी आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। है ना सही व्यू? सॉरी मैं नहा लेता हूँ, फिर मैं आपको कसौल एक्सप्लोर करवाऊँगा, कसौल में जो भी चीज़ें हैं घूमने की। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सो अभी मैं अपने हॉस्टल में ही हूँ, नहा के रेडी हो चुका हूँ। ठंड होगी इधर काफ़ी ज़्यादा, बारिश हो रही है हल्की हल्की, देख सकते हैं मेरे पीछे। सो आज का प्लान ये है, आज मैं चिलाल ट्रैक करूँगा। वैसे मेरा हॉस्टल चिलाल में ही है, तो आज मैं चिलाल यहाँ से ट्रैक करूँगा। यहाँ से 1.1 किलोमीटर है जो गूगल पे दिखा रहा है। रास्ते में पार्वती नदी का व्यू दिखाता हुआ चलूँगा आपको। तो चिलाल है मेरे हॉस्टल से 1.1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो मैं ट्रैक करूँगा अभी। चिलाल ट्रैक के बाद मैं कंप्लीट करूँगा पार्वती वैली। पार्वती वैली 300 मीटर है चिलाल से। पार्वती वैली कंप्लीट करके मैं जाऊँगा नेचर पार्क। नेचर पार्क 90 मीटर है पार्वती वैली से। सो आज ये तीन चीज़ें कवर करूँगा, इसके बाद मैं ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट कर दूँगा। कसौल में 2 दिन में मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 ही दिन के लिए था, कल आया था और आज हूँ। सो कल मैंने मणिकर्ण आपको घुमाया, आज मैं चिलाल विलेज, पार्वती वैली और नेचर पार्क यही दिखा सकता हूँ। वैसे आप 4 या 5 दिन का प्लान कर सकते हो कसौल। नेक्स्ट टाइम जब मैं कसौल आऊँगा तो 4 या 5 दिन का प्लान करके आऊँगा। सो मुझे कैमरे को ही बचाना है, क्योंकि कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है। तो जहाँ बारिश हुई वहाँ बैग के अंदर डाल दूँगा, बैग अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बादल एकदम नीचे आ चुके हैं और ठंड भी काफ़ी हो गई है, टेम्परेचर 22 डिग्री है अभी। तो चलो चलते हैं। यहाँ से व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है, इट्स इनक्रेडिबल, सच ऑसम व्यू। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पार्वती नदी का बहाव देखो कितना तेज है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मेरा कैमरा गिल्ला हो जाएगा, तो बार बार मैं बैग में डाल रहा हूँ। जहाँ थोड़ी कम हो रही है फिर वहाँ मैं निकाल रहा हूँ कैमरा। तो अभी मैं चिलाल ट्रैक कर रहा हूँ। वैसे जो मेरा हॉस्टल है वो चिलाल में ही है। जो कल मैंने आपको व्यूज़ दिखाए थे वही ट्रैकिंग मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से आपको। उसी रूट में है आगे जाके कसौल मार्केट के पास पार्वती वैली। पार्वती वैली के पास ही नेचर पार्क है, सो भी वहीं जा रहा हूँ। बाकी आपको रास्ते के मैं व्यूज़ दिखाता हुआ चलूँगा। चिलाल ट्रैक कर रहा हूँ ये मैं साथ में, साथ में पार्वती नदी बह रही है। बाकी आप चाहो तो 4 दिन प्लान कर सकते हो कसौल। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे तो मैं यही कर पाया। फर्स्ट डे मैं मणिकर्ण गया, आज मैं यहाँ कसौल की लोकल चीज़ें कम्प्लीट कर रहा हूँ। चिलाल ट्रैक कर रहा हूँ, नेचर पार्क, पार्वती वैली, ये आज कंप्लीट करूँगा 3 चीज़ें। और आप 4 दिन प्लान कर सकते हो। फर्स्ट डे आप आओ यहाँ पे सुबह सुबह, पहले तो आप बाइक हायर कर लो, सबसे बढ़िया है बाइक या स्कूटी हायर कर लो। देन पहले आप चले जाओ मणिकर्ण गुरुद्वारा, फिर आप कलगा और पुलगा विलेज कंप्लीट कर सकते हो, उधर ही है उसी रूट में। एंड तोस विलेज उसी रूट में पड़ता है। सो कसौल से आपको मणिकर्ण 5 किलोमीटर के करीब लगभग पड़ेगा, और कसौल से आपको
कलगा और पुलगा विलेज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। सो आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो फर्स्ट डे। सेकंड डे आप चले जाओ मलाना विलेज, जो कि मणिकर्ण वाली साइड नहीं है, मतलब कसौल से पहले पड़ता है मलाना विलेज। पूरे हिमाचल में सबसे अलग लैंग्वेज है मलाना विलेज की, ऐसा माना जाता है। पूरे हिमाचल में ऐसी लैंग्वेज कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो मलाना विलेज में है। बाकी हल्की हल्की बारिश हो रही है। देन आप कहाँ पे था मैं, थर्ड डे कंप्लीट हो गया था ना आपका, नहीं सेकंड डे, थर्ड डे आप कसौल घूम सकते हो, कसौल की नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। पार्वती वैली, नेचर पार्क, ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो थर्ड डे। फोर्थ डे आप चिल कर सकते हो हॉस्टल में रह के, पार्टी वगैरह कर सकते हो। तो चार दिन सफिशेंट है कसौल घूमने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं चार दिन का प्लान करके आऊँगा, फिर मैं आपको कवर करवाऊँगा। अभी तो मेरे पास दो ही दिन था तो मैं यही कवर कर पाया हूँ। ये जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये चलाल ट्रैक ही है, जिस रूट से कल मैं आया था, जो रूट मेरा हॉस्टल वाला है वही है, चलाल ट्रैक ही कर रहा हूँ ये मैं। आसपास पाइन ट्रीज हैं, साथ में इस साइड पार्वती नदी बह रही है, बाकी आगे कसौल ब्रिज भी आएगा जो कल मैंने आपको दिखाया था। ये पूरा चलाल ट्रैक ही है, ये मैं चलाल ट्रैक ही करता हूँ। बाकी रास्ते कुछ ऐसे हैं चलाल ट्रैक के। पूरा मौसम हरा भरा हो गया, यहाँ थोड़ी बारिश कम हो रही थी इसलिए मैं कैमरा बाहर अभी निकाला है, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ मैं। बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलाल ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, 1.4 या 1.5 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है इसलिए मैं कैमरा अपना बैग में डाल दे रहा था, क्योंकि कैमरा मेरा वाटरप्रूफ तो है नहीं, ख़राब हो सकता है। आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कितना अच्छा आ रहा है। पार्वती रिवर का शोर काफ़ी तेज़ है, बादल देखो कैसे नीचे आ चुके हैं, टच कर रहे हैं पहाड़। थोड़ी देर आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इन पत्थरों पे आप बैठ सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, बट अंदर मत जाना पार्वती रिवर के, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ है, वहाँ फ़ोटो वगैरह शूट करोगे तो रिस्क हो सकता है। तो यहाँ बैठ के आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, जैसे ये है यहाँ पे बैठ के ले सकते हो, जो ऊपर साइड है, नीचे नहीं मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जो ऊपर साइड है वहाँ आप रॉक्स पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, चिल कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो फ्रेंड और फैमिली के साथ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग और रह गई है, वही कल वाली ट्रैकिंग है जो मैं कल कर रहा था, बट आज वेदर अलग है तो आज मैंने कहा आज थोड़ा अलग दिखाते हैं, आज थोड़ा अलग मौसम है, आज बारिश वाला मौसम है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी सी दूर और रह गया वो कसौल ब्रिज, सो आज मैं दिखाऊंगा अभी बारिश के मौसम में कैसा दिख रहा है व्यू। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं, आपको रास्ते दिखाते चलूँगा। हो रहा है कसौल ब्रिज, देख सकते हो आप, वहीं तक जाना है। ट्रैक का रास्ता कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप, यहाँ से बहाव और भी ज़्यादा तेज है पार्वती रिवर का, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा बहाव तेज है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना नज़ारा खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, व्यूज़ देखो कितने सही हैं, सच अ ऑसम व्यू, लुक एट दैट द फ्लो ऑफ पार्वती रिवर। चलो आगे चलते हैं, अब इधर से जाना है और थोड़ी सी ट्रैक और बची है, लेट्स गो। ये रहा वो ब्रिज, मैं पहुंच चुका हूं ब्रिज के पास, ऊपर बादल देखो कितने शानदार लग रहे हैं, नीचे आ चुके हैं पूरे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यही क्रॉस करके जाना है,
कसौल मार्केट पहुंचूंगा जहां मैंने बस ली थी कल, वहां से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है जहां बस ने उतारा था, पार्वती वैली। देन पार्वती वैली के पास मैं नेचर पार्क कवर करूंगा। सो लेट्स गो, इधर से आया था मैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ब्रिज को, देख सकते हो आप पार्वती नदी बह रही है साथ में, फ्लो काफ़ी तेज है पार्वती नदी का। सो रास्ते में एक शॉप मिल गई थी मैगी की, सो मैगी खा रहा हूँ मैं। ऐसे मौसम में मैगी खाने में काफ़ी मज़ा आता है। व्यू देखो यहाँ से कितना अच्छा आ रहा है। सो खा लेता हूँ मैगी, फिर यहाँ से चलेंगे पार्वती वैली। यहाँ से 150 मीटर और बचा हुआ है पार्वती वैली, तो ठीक है फिर। सो मैगी मैंने खा ली है, अब चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। मंजिल है अपनी पार्वती वैली। रोड के हालात ठीक नहीं है तो आराम आराम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है ना अभी की, तो कीचड़ हो गया पूरी जगह। बाकी नेचर पार्क मुझे यहीं से दिख रहा है, बस क्रॉस करना है इधर से जाना, रास्ता इधर से है, इधर से जाना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी ख़राब है देख सकते हैं, सो स्लो स्लो जाना पड़ेगा मेरे को। सो पहुंच गया मैं उसी लोकेशन पे जहाँ से कल मैंने बस पकड़ी थी, इधर साइड जाना है मेरे को पार्वती वैली के लिए। बाकी यहाँ पार्वती वैली का व्यू देखो कुछ ऐसा है। पार्वती वैली वैसे भुंतर से ही शुरू हो जाती है, बट एक गूगल ने मैंने मैप पर डाला तो पार्वती वैली ये दिखा रहा है। सो यही दिखा रहा हूँ मैं आपको। नीचे देखो नदी का बहाव कितना तेज है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। गूगल पे मैंने डाला पार्वती वैली तो मेरे को यहाँ ले आया लोकेशन। अब यहाँ से नेचर पार्क थोड़ी 100 मीटर के डिस्टेंस पर दिखा रहा है। बाकी वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, बादल देखो नीचे आ गया पूरे। इधर साइड कसौल मार्केट है, वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। उधर साइड देखो पहाड़ों के ऊपर बादल कैसे चल रहे हैं, इधर का व्यू कुछ ऐसा है। अब उधर साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, लेट्स गो। यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, वाव, मुंह से बस वाव निकल रहा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। सो पहुँच चुका हूँ मैं नेचर पार्क, हीरा मेरे सामने, अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री टिकट शायद 20 रुपीज़ है, बाकी चल के ही पता लगेगा। टिकट मैंने ले लिया, अंदर चलते हैं। चलो सो मैं नेचर पार्क के अंदर आ गया हूँ। रेट अडल्ट्स की 30 रुपीज़ हैं और चाइल्ड्स के 20 रुपये हैं। आ सकते हो आप, कसौल मार्केट के पास ही है नेचर पार्क ऑफ कसौल, नेचर पार्क कसौल अच्छा है। यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे आपको। बाकी इस टाइम मैं हूँ अकेला ही हूँ पूरे गार्डन में, मुझे लग रहा है पूरे पार्क में अकेला ही मैं ही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की, कोई आया ही नहीं है। बाकी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। T60 देखो एक बार, ये पेड़ के साथ में डिजाइन देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है, क्या ऑथेंटिक व्यू लग रहा है, पेड़ को क्या डिजाइन दिया हुआ है, साथ में ये वुडन बनाया हुआ है।
स्टेयर्स के लिए। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन कितना अच्छा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू देखते हैं कैसा आता है। पेड़ के चारों तरफ ये बना दिया वुडन का, बाकी बच्चों के साथ आते हो बच्चे यहाँ झूला वगैरह भी झूल सकते हैं। जो नेचर लवर है उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है नेचर पार्क, काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना आराम से बैठ के। बारिश अब हल्की हल्की कम हो गई है, बस ये नेचर पार्क लास्ट था, इसके बाद मेरी कसौल से बस है चंडीगढ़ के लिए, तो मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा। इस सीरीज़ के लिए इतना ही रखूंगा मैं, आपको नेचर पार्क घुमा देता हूं। बाकी आप खीर गंगा ट्रैक भी कर सकते हो, कसौल से 44 किलोमीटर दूर है, बट आप पैकेज लोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 5000 या 5500 के बीच में आपको पैकेज मिल जाएगा, जिसमें न्यू दिल्ली से आना जाना वॉल्वो की टिकटें प्लस ब्रेकफास्ट लंच डिनर और दो दिन का खीर गंगा ट्रैक उसी में इंक्लूड है। सो आपको पैकेज लेने में फ़ायदा है अगर आप खीर गंगा ट्रैक कर रहे हो तो, ऐसे आप करोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैकेज से ही आओ। काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी पैकेज बुक करवाते हैं, जैसे आई लव कसौल है वो भी बुक करवाता है 5000 या 5500 में, हॉस्टल है आई लव कसौल। वहाँ बुकिंग फुल हो चुकी थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, नहीं तो मैं पहले वहीं बुक करने वाला था। सो एंड टाइम पे मैंने बुक किया है हॉस्टल, तो मेरे को यही हॉस्टल मिला। बाकी आपको व्यू दिखाता हूँ कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। खीर गंगा ट्रैक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैकेज ले लोगे तो काफ़ी बेटर है। बस सामने ही है पार्वती रिवर, आपको दिखाता हूँ फिर मैं व्यू, शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। बाकी चार दिन सफिशेंट है अगर आपको सॉल घूम रहे हो तो, सारा कुछ कवर कर लोगे। बाकी आप अगर दो दिन का प्लान कर रहे हो तो मेरी तरह फर्स्ट डे आप मणिकरण जा सकते हो, सेकंड डे चलाल ट्रैक कर सकते हो, नेचर पार्क देख सकते हो और पार्वती रिवर के किनारे नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा प्लान करना चाहो कर सकते हो। मनाली की ट्रिप मेरी काफ़ी अच्छी रही, कसौल की भी काफ़ी अच्छी रही, बस थोड़ी आइटनरी में प्रॉब्लम होगी। मेरे को कसौल रुक जाना चाहिए था, तो मैं वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया, बस कुल्लू के प्लेसेस रह गए हैं, कुल्लू रह गया घूमना। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगा मैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर करूँगा मैं कुल्लू ट्रिप, जिसमें मैं सारा कवर करूँगा, नगर कैसल, आर्ट गैलरी, वैष्णो देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल, आई कवर ऑल दिस थिंग्स इन फ्यूचर। हॉस्टल से मैं चेकआउट अभी कर दूँगा, अभी हॉस्टल ही जाऊँगा मैं सीधा, वहाँ से फिर मैं बैग लूँगा अपना, देन बस पकड़ना है गो टू चंडीगढ़। जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होएगी वो यूके की है, अब आप गेस करना कौन सी ट्रिप है, यूके में कौन सी जगह है। यूके इज़ नॉट स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम भी जाएंगे इन फ्यूचर, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर जाएंगे। सो इतना ही था नेचर पार्क, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा मेरा ट्रिप, काफ़ी सारे लोग भी मिले, नए नए लोग, काफ़ी सारे लोग मिले जो कैमरा शाये थे, कुछ लोग कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, नहीं तो मैं उनके साथ मिलवाता आपको। काफ़ी सारे मेरे को फॉरनर्स मिले, वो भी कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, बस एक मैम कैमरा पे आए, लौरा नग वहाँ मिले थे मेरे को, क्या कहते हैं अपना जोगनी वाटरफॉल पे, जो फिनलैंड से थे, काफ़ी सारे मिले मेरे को। एक इज़राइली भाई भी मिला, उससे भी बातचीत की इज़राइल के बारे में और जाना। एक मेरे को यूनाइटेड स्टेट के कपल मिले थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो भी कैमरे पे नहीं आना चाहते थे,
सो आप सोलो आओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सो सोलो आप ट्रैवल कर सकते हो, सोलो इज़ सेफ, हो सोलो सेफ़ है मनाली में ट्रैवल करना, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है। काफ़ी सारी गर्ल्स भी मिली जो सोलो आई थी, वो भी कैमरे पे नहीं आना चाहते थे, बट सबके अपने अपने रीजंस थे। सो सोलो आओगे तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट होगे आप। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। सो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ एंड इस सीरीज़ को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट सीरीज़ मेरी उत्तराखंड की होएगी, गैस करना, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कौन सी वो सीरीज़ होएगी। सो फिर मिलेंगे दोस्तों, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना यार। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।